नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है छोटी बहू और मर्डर का निमोना। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आस्था ने सास के लिए लहसुन की कलियां डालकर सरसों का तेल गरम किया और उनके कमरे में उनके घुटनों की मालिश करने के लिए पहुंच गई। उसे देखते ही उसकी सास देवकी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी बहू कहाँ है? आस्था ने धीरे से कहा, दीदी तो मंदिर गई हैं। आपकी मालिश का समय हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ। देवकी जी खामोश हो गई। उनकी नजरों में खुद के लिए बेरुखी महसूस करके आस्था की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने नजरें नीचे करके सासू माँ के घुटनों पर गुनगुने तेल की मालिश करनी शुरू कर दी। उसकी नरम उंगलियों के स्नेह भरे स्पर्श से भी देवकी जी के चेहरे के भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके चेहरे से नाराजगी साफ झलक रही थी। देवकी जी के छोटे बेटे मिहिर की पत्नी थी आस्था। मिहिर और आस्था ने प्रेम विवाह किया था, बस यही एक कारण काफी था छोटी बहू से नाराजगी दिखाने के लिए। हालांकि प्यार तो उनके बेटे ने भी किया था, पर देवकी जी के अनुसार उनके भोले भाले बेटे को आस्था ने ही बहका दिया था, तो बस उनके कोप का भाजन भी केवल आस्था को ही बनना था। बड़ी बहू कामनी को वो खुद पसंद करके लाई थी। छोटी मोटी खटपट तो उसके साथ भी होती रहती थी, लेकिन छोटी बहू का गुनाह ज्यादा बड़ा था, इसलिए बड़ी बहू अब देवकी जी की चहेती बहू बन गई थी। अब उसकी कोई भी कमियां और अवगुण उन्हें नजर ही नहीं आते। वहीं आस्था की छोटी से छोटी गलतियों पर उनकी पैनी नजर रहती थी। आस्था के हर काम में नुक्स निकालना, उससे मुंह फुलाए रखना, उससे रूखा व्यवहार करना और ताने देना उनका प्रिय काम था। न जाने क्यों ये सब करके ही उन्हें सुकून मिलता था। जब उनके तानों से छोटी बहू लहूलुहान हो जाती और उसका फूल सा चेहरा कुम्हला जाता, तब देवकी जी का मन संतुष्ट हो उठता। वहीं यदि आस्था किसी बात पर मुस्कुरा पड़ती तो इनका तन बदन सुलग उठता। आज भी आस्था तेल मालिश कर रही थी और देवकी जी मुंह फुलाए बैठी थी, तभी उनकी सहेली का फोन आया। देवकी जी ने फोन उठाया तो औपचारिक बातों के बाद उनकी सहेली ने बताया कि आज उन्होंने कामिनी बहू को सिनेमा हॉल में अपनी सहेलियों के साथ जाते हुए देखा। यह सुनकर देवकी जी स्तब्ध रह गई। वो सोचने लगी, बड़ी बहू को इतनी छूट तो दे रखी है, फिर भी उसे मंदिर का बहाना बनाकर सिनेमा देखने जाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझसे पूछ कर गई होती तो क्या मैं मना कर देती? आस्था मालिश करके जा चुकी थी। देवकी जी आंखें मूंद कर बिस्तर पर लेट गईं। वो बड़ी बहू के झूठ से अनमनी सी हो गई थी, लेकिन वो अपनी चहेती बहू से कैसे कुछ कह सकती थी, क्योंकि उसे तो वो अपनी पसंद से लाई थी ना। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को आस्था उनके लिए चाय बना लाई। वो चुपचाप उठकर चाय पीने लगी। आस्था ने धीरे से कहा, मम्मी जी मुझे मायके जाना है। ये बात सुनकर देवकी जी में तुरंत फुर्ती आ गई और वो कठोर सास का किरदार धारण करते हुए कड़क आवाज में बोल पड़ी, क्यों? आस्था घबराहट में पैर के अंगूठे से फर्श कुरेदते हुए बोली, वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो उन्होंने मुझे बुलाया है। देवकी जी व्यंग से बोली, वाह भाई वाह, ये क्या कोई होटल है कि यहाँ तुम रुकी हुई हो और जब तुम्हारी मम्मी बुलाएंगी दौड़कर चली जाओगी? कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। फिर बड़बड़ाने लगी, एक तो लव मैरिज वाली बहू को घर में रहने दो, ऊपर से हर वक्त नई डिमांड लेकर सिर पर सवार हो जाती है। सास का जवाब सुनकर आस्था का मन बुझ गया। उसके चेहरे पर उदासी की रेखाएं देखकर देवकी जी अपनी जीत का जश्न मनाने लगी। आस्था उदास मन से रसोई में जाकर डिनर की तैयारी करने लगी। भले ही वो इस घर के लिए कुछ नहीं थी, लेकिन घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसकी ही थी। उसकी सास और जेठानी तो रसोई में झांकना भी भूल गई थी। रात में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आस्था खाना सर्व कर रही थी। जैसे ही उसने सास की प्लेट में सब्जी परोसी तो मटर का निमोना देखते ही उसकी सास के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उनकी नम होती आंखों को किसी ने नहीं देखा। हरे मटर का सीजन आते ही वो बाजार से ताजे मटर मंगवाकर खुद अपने हाथों से निमोना बनाती थी और मन ही मन अफसोस करते हुए भावुक होती रहती थी। किसी को भी इससे जुड़े उनके दिल के दर्द के बारे में पता भी नहीं था। आज आस्था के आने के बाद पहली बार मटर का निमोना बना था। आज देवकी जी ने बिना उसके बनाए खाने में नुक्स निकाले चुपचाप खाना खा लिया। बाकी किसी ने तो नहीं, पर आस्था ने जरूर महसूस किया कि आज सासू माँ अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ शांत लग रही थी। डिनर के बाद देवकी जी रोज छत पर टहलने जाती थी।
आज उनका टहलने का मन नहीं किया। वह छत के एक कोने में फर्श पर ही बैठ गई। चांदनी रात थी, ठंडी हवाएं उनके तन को सहलाने लगी। वो दूर आकाश में छिटके तारों में अपनी स्वर्गवासी माँ को ढूंढने लगी। उन्हें आज भी याद था जब अंतिम समय में उनकी माँ बीमार हुई थी, तब उन्होंने फोन करके देवकी जी से कहा था, बेटी मुझे तुम्हारे हाथों से बना हुआ मटर का निमोना खाने का बहुत मन कर रहा है। देवकी जी का भी मन भर आया था। वो भी तो बचपन में अपनी माँ का आंचल पकड़कर ऐसे ही कुछ खाने की फरमाइश करती थी और उनकी माँ भी झट से उनकी फरमाइश पूरी करने में लग जाती थी। लेकिन उस दिन देवकी जी तुरंत अपनी माँ की इच्छा पूरी कर पाने में असमर्थ थी। उन्होंने भरे गले से माँ को आश्वासन तो दे दिया था कि वो जल्दी ही आकर उन्हें अपने हाथों से मटर का निमोना बनाकर खिलाएंगी, लेकिन देवकी जी की सास ने उन्हें मायके जाने की इजाजत ही नहीं दी और उनकी माँ अपनी आखिरी इच्छा अधूरी ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तब देवकी जी को मायके जाने दिया गया था, लेकिन तब तक तो उनकी माँ उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। अब वो किसे मटर का निमोना बनाकर खिलाती? समाज की औपचारिकताएं भी अजीब होती हैं। जीवित रहते भले ही किसी से मिलने न दिया जाए, लेकिन मृत्यु के बाद शोक मनाने के लिए भेजकर औपचारिकता निभा दी जाती है। लेकिन जरूरी क्या है, इंसान के साथ जीते जी थोड़ा वक्त बिताना या उसकी मृत्यु पर बैठकर केवल आंसू बहाना? आज छोटी बहू के मटर के निमोने ने उनके जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। वो सोचने लगी कि बहू को आहत करने के चक्कर में वो भी तो अपनी सास की तरह ही बनती जा रही है, कठोर और निर्दयी। उन्होंने तुरंत फैसला लिया और झट से नीचे गई। आस्था रसोई समेट रही थी। उन्होंने केवल इतना ही कहा, बहू कल मायके जाकर मम्मी से मिल लेना। सास की बात सुनकर आस्था आश्चर्यचकित रह गई। सास के स्वर की नरमी को वो पहली बार अनुभव करके पुलकित हो गई। उसकी आंखों में आनंद अश्रु उमड़ आए। वो उनके पिछले कठोर रूप को भूलकर हिचक की सीमा लांघते हुए दौड़कर छोटी बच्ची की तरह उनके गले लगकर बोली, धन्यवाद माँ। देवकी जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने बहू के सिर को हल्के से सहला दिया। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने सारे गिले शिकवे बहा दिए थे। दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी अजीब होती है। किस पल में किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए रिश्तों की कड़वाहट को जीवन भर ढोने की बजाय उनमें मिठास भरने का प्रयास करना चाहिए और ये कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे पर हावी नहीं होना चाहिए। बहू पर शासन करने से कुछ पल का सुकून मिल सकता है, लेकिन यदि उसके दिल पर शासन कर लिया जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। जो दर्द सास खुद झेल चुकी होती है, उस दर्द से बहू को बचाना चाहिए ताकि बहू नए परिवार से एक मजबूत रिश्ता बना पाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।